तो भाई ये तो तुमको पता ही है कि हाल ही में आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट हुआ और उस अनबॉक्स इवेंट में जैसे ही विराट कोहली आते हैं तो भाई लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कल के दिन चेपॉक के मैदान से एमएस धोनी की एक फोटो वायरल होती है जहां वो हमेशा की तरह शानदार जबरदस्त जिंदाबाद नजर आ रहे हैं अपने लंबे लंबे बालों के साथ। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि 22 मार्च को जब महेंद्र सिंह धोनी पीली जर्सी धारण करके मैदान में उतरेंगे तो वहां जो शोर मचेगा उसका आलम आखिर किस लेवल का होगा। देखो ठीक है विराट कोहली का भी एक भौकाल है, रोहित शर्मा का भी एक भौकाल है, लेकिन भाई अटल सत्य तो यही है कि जब सेम मैदान में विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी मौजूद होते हैं ना तो जो शोर एमएस धोनी के लिए मस्ता है भाई उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप पिछले सीजन के आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैचेस को उठा के देखिए भाई, एमएस धोनी जब पिच पे एंटर करते थे तो विराट कोहली भी सोच के और देख के पागल हो रहे होते थे कि भाई इतना ज्यादा पागलपन इस बंदे के लिए। भाई विराट कोहली की जो पत्नी अनुष्का शर्मा वो तक चौंक जाती थी कि भाई ये क्या लेवल का शोर मच रहा है, क्या पागलपन है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो भाई सोचो 22 मार्च को जब लंबे बालों के साथ एमएस धोनी मैदान में आएंगे तो लोग किस तरीके से पागल होंगे। वैसे पागल तो इस समय श्रेयंका पाटिल हो रही होंगी जिनको उस आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के बाद विराट कोहली के साथ फोटो खींचने को मिली। अब देखो कोई भी फोटो में अगर विराट कोहली है ना तो जाहिर सी बात है पूरा जो ध्यान है वो विराट कोहली पे जाता है, लेकिन भाई सच बताऊं तो इस फोटो पे मेरा ध्यान विराट कोहली से ज्यादा श्रीलंका पे जा रहा है। ओह यार कितनी ऑसम है यार। मतलब भाई मैं जानता हूं कि ये जो एरा चल रहा है इसमें कई लोग स्मृति मंधाना के पीछे पागल हैं, आते लोग जो हैं वो पैरी के पीछे पागल हैं, लेकिन हमारा दिल ना भाई श्रीलंका पे आया है। हाय हाय इतना सुकून। अब देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दिल आखिर इन तीनों में से किस पे आया है, लेकिन अब जो मैं तुमको बताने वाला हूँ वो सुन के तुम्हारा दिल जो है वो टूटने जरूर वाला है, खासकर अगर तुम एक आरसीबी फैन हो। अब तुम्हारा दिल टूटने क्यों वाला है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं वो बता देता हूँ जिसे सुन के भैया तुम्हारा दिल नाचने लगेगा। और वो बात ये है कि भाई बस आईपीएल एकदम करीब आ चुकी है, मात्र कुछ घंटे बचे हैं और उसके बाद चेन्नई और आरसीबी के बीच खेला जाएगा आईपीएल 2024 का पहला मैच। और इस मैच में भाई इतने लोग प्रेडिक्शंस करने वाले हैं, इतने लोग फैंटेसी टीम बनाने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन तुम भाई हर किसी को पीछे छोड़ सकते हो। कैसे? क्योंकि भाई तुमको पता है कि एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हर मैच की कहां आती है, नन अदर देन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल पे जाइए प्रिंस भाई के, वहीं पे सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी जिनकी मदद से आप मस्त अपनी फैंटेसी टीम का निर्माण करेंगे, मस्त किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेंगे और भाई मैच देखते-देखते पैसा ही पैसा छापेंगे। अपन छापने वाले इसलिए आपको बता रहे हैं, टाइम मत वेस्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, जाओ और छापो। अब जाहिर सी बात है कि ये सुन के तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा, लेकिन अब वो बात कर लेते हैं जिसे सुन के तुम्हारा दिल टूटने वाला है, खास कर जैसा मैंने कहा अगर तुम एक आरसीबी फैन हो। तो भाई 22 मार्च को जब आरसीबी और सीएसके एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किस टीम की जीतने की चांसेस सबसे ज्यादा हैं तो आप लोग कहेंगे भाई दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, कोई भी जीत सकता है, लेकिन भाई सच बताऊं तो चेन्नई का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है। क्योंकि एक अटल सत्य तो यह है ही कि इससे पहले जब भी चेपॉक के मैदान में आरसीबी और चेन्नई भिड़े हैं तो भाई चेन्नई का बोलबाला बहुत ही तगड़े तरीके से रहा है। 7-1 का रिकॉर्ड है यहां पे चेन्नई का, मतलब मात्र एक मैच आरसीबी ने जीता है और 7 मैच चेन्नई के नाम रहे हैं। और भाई देखो ये तो तुमको पता ही है कि जो चेपॉक का मैदान है वो बहुत ज्यादा स्पिन फ्रेंडली होता है और स्पिन के मामले में तो भाई आरसीबी के एल लगे हुए हैं, क्योंकि इनके पास स्पिन के नाम पे कुछ नहीं है। मैक्सवेल हैं जो कि एक ऑलराउंडर हैं, कर्ण शर्मा है लेग स्पिनर, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। उसके अलावा मयंक डागर हैं लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन का ऑप्शन, जो कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। तो ऐसे में यहां पे सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो चेन्नई के साथ हैं और उनके ही घर पे मैच भी हो रहा है, तो भाई आसान तो नहीं होगा आरसीबी के लिए। लेकिन भाई इस साल इम्पॉसिबल पॉसिबल हो रहा है, जो जो कोई नहीं सोच रहा था वो ही हो रहा है। तो ऐसे में क्या पता 22 मार्च को पूरे तरीके से कहानी बदल जाए। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है 22 मार्च को कौन होगा विजेता, चेन्नई सुपर किंग्स या
या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। खैर इन दोनों में से कौन होगा विजेता ये तो हमको 22 मार्च को पता चली जाएगा, लेकिन कल के दिन एक और कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है कोलकाता के मैदान में रिंकू सिंह और मिचेल स्टार्क के बीच। अब तुम बताओ इस कॉम्पिटिशन में कौन जीता होगा। बहुत लोग कहेंगे भाई जाहिर सी बात है मिचेल स्टार्क के सामने कोई बोल सकता है क्या, लेकिन रिंकू सिंह भाई अपने बल्ले से कल ऐसा बोले कि भाई देख के मिचेल स्टार्क की हवा टाइट हो गई। मतलब भाई केकेआर के कैंप से एक ऐसी वीडियो सामने आती है जहां मिचेल स्टार्क बॉलिंग करा रहे हैं, रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे हैं और भाई ऐसे धो धो के छक्के मार रहे हैं ना स्टार्क को। ऐसा लग रहा है कि स्टार भाई कोई गली के बॉलर हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना तो मैं वीडियो तो यहां पे पूरी प्ले नहीं कर सकता हूं कॉपीराइट इश्यूज के चलते। तुम जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जहां मैंने ये वीडियो टॉप पे पिन करके रखी है। जाके भाई वीडियो देखो, रिंकू सिंह के छक्के देखो, कसम से मजा ना आए ना तो पैसा वापस। सच बता रहा हूं भाई, जब तुम स्टार की बॉलिंग पे रिंकू सिंह को इतनी आसानी से छक्के मारते हो देखोगे ना तो तुम यही सोचोगे कि यार रिंकू सिंह वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल क्यों नहीं खेल रहे थे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अब एक तरफ जहां लॉर्ड रिंकू सिंह मिचेल स्टार को केकेआर के कैंप में छक्के ही छक्के मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई के कैंप में महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। कल के दिन भी एमएस धोनी की एक प्रैक्टिस वीडियो हम सबके सामने आती है और भाई इस वीडियो में फिर से वही देखने को मिलता है कि भाई बंदा अगर 10 बॉलें खेल रहा है तो 10 में से 7 तो वो छक्के मार रहा है और बहुत ही आसानी से मार रहा है, और उन 7 छक्कों में से 5 छक्के वो हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर 22 मार्च को भी उड़ेगा या फिर क्रैश हो जाएगा? जो भी तुम्हारा मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे कल का दिन सीएसके के लिए खुशियों की सौगात भी लेके आया, क्योंकि भाई कल के दिन फाइनली शिवम दुबे ने ज्वाइन कर लिया है चेन्नई के कैंप को। बीच में खबरें आई थी कि शिवम दुबे आराम से 3-4 हफ्ते की आईपीएल मिस कर सकते हैं, लेकिन बंदा आ चुका है और भाई शिवम दुबे का चेन्नई में कितना बड़ा रोल होने वाला है, कितना इंपॉर्टेंस है कि हम सब जानते हैं। भाई पिछले सीजन में ना जाने ऐसे कितने मैचेस थे जहां शिवम दुबे आते थे और भाई गए मैचेस को पूरे तरीके से चेन्नई के खेमे में ला देते थे, अकेले दम पे मैच पलट देते थे और मैच के साथ साथ जो विपक्षियों के चेहरे पे आव भाव होते थे वो भी बदल जाते थे। मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि कल के दिन एक और खबर कहीं से उड़ते हुए आती है कि आईपीएल 2024 के पहले मैच से एक नया रूल लागू हो सकता है कि पर ओवर हर बॉलर को 2 बाउंसर यहाँ पे अलाउ करी जा सकती है। अब जब से ये खबर सामने आई है तो रोहित शर्मा तो बहुत खुश हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर बहुत ही परेशान हैं। अब देखो, जैसा मैं कह रहा था कि भले ही 22 मार्च को जो पहला मैच होना है वो चेन्नई और आरसीबी के बीच होना है, लेकिन ट्विटर के ऊपर जिन दो टीमों के बीच एकदम गैंग वॉर देखने को मिल रहा है ना तो वो है केकेआर और आरसीबी। क्योंकि कल के दिन भाई एक केकेआर फैन ने ट्वीट करा जहां उसने लिखा कि कोहली फैफ टू प्लेसेस और मैक्सवेल के जो नारायण और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही घटिया हैं, क्योंकि इन तीनों ने सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की कुल 343 बॉल फेस करी हैं, रन मारे हैं 355, एवरेज रही है टोटल इन तीनों की मिला के 23 और स्ट्राइक रेट तो बहुत ही खराब रही है 103.5 की, और ये तीनों बैट्समैन नारायण और वरुण चक्रवर्ती के सामने मात्र 6 ही छक्के लगा पाए हैं। अब देखो, केकेआर फैन ने उंगली करी थी आरसीबी फैंस को तो जाहिर सी बात है जवाब तो आना ही था, और भाई बदले में ऐसा जवाब आया कि एक बार फिर से साबित कर दिया आरसीबी वालों ने भाई हमारे फैंस के साथ पंगा नहीं लेने का, हमारी टीम का मजाक नहीं बनाने का, चाहे जो भी कर लो ये उंगली वाला काम करने का नहीं, क्योंकि आरसीबी फैंस पागल होते हैं, उंगली करोगे तो बदले में उंगली नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे तोड़ के कुछ ऐसी जगह डालेंगे कि जहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जवाब क्या दिया उन्होंने बदले में, मैं तुमको बता देता हूं। भाई एक बंदे ने ये लिख दिया कि तुमने चलो ये तो बता दिया कि कोहली फैफ और मैक्सवेल के नारायण और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है, लेकिन ये नहीं बताया कि आंद्रे रसल, नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर के मात्र अकेले सिराज के खिलाफ क्या रिकॉर्ड है। मतलब वहां तो तुमने 3 बैट्समैनों को 2 बॉलरों के खिलाफ भिड़वाया था, लेकिन तुम्हारे 4 बैट्समैनों के रिकॉर्ड हमारे 1 बॉलर के सामने तो उससे भी खटिया हैं, क्योंकि भाई रसल, राणा, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने सिराज की कुल 103 बॉल फेस करी हैं, रन मारे हैं 112, एवरेज रही है 22.4 की, स्ट्राइक रेट रही है मात्र 108.7 की, और ये चारों प्लेयर मिलकर सिराज के खिलाफ मात्र 2 ही छक्के लगा पाए हैं। तो कुल
कुल मिला के ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो गैंग वॉर हुआ इसके विजेता रहे नन अदर देन आरसीबी फैंस। इसीलिए कह रहा हूं किसी भी टीम के फैन से पंगा ले लेने का, लेकिन भाई आरसीबी और चेन्नई और मुंबई के फैन से थोड़ा सा बच के रहने का, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। आरसीबी के पास तो फिर भी कम है, क्योंकि अभी तक ट्रॉफी नहीं आई है। भले ही एक ट्रॉफी आ गई है लेकिन आईपीएल में नहीं आई है, पर फिर भी भाई इनकी जो फैन फॉलोइंग है ना नेक्स्ट लेवल है, इस बात को ध्यान में रखना। और ध्यान में यह भी रखना कि मैंने तुमसे एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछ रखा है कि 22 मार्च को जब धोनी और कोहली एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे, जब चेन्नई और आरसीबी एक दूसरे से भिड़ेंगे, तो तुम्हारे हिसाब से कौन होगा इस मैच का विजेता। जो भी तुम्हारा जवाब है जल्द से जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड याद से जैसा मैंने कहा कि भाई अगर तुम भी इस पूरे आईपीएल में मालामाल होना चाहते हो तो ज्यादा सोचने का नहीं, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो। सारी प्रेडिक्शंस वहां पे धड़ाधड़ आएंगी और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके डीएम कर दो, पैसा ही पैसा छापो। वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।